मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सिरोंज तहसील में पदस्थ तहसीलदार द्वारा हमसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है, जबकि हमने कलेक्टर साहब से पहले भी शिकायत की थी। कलेक्टर ने बंद करवा दिया था, लेकिन अब तहसील द्वारा फिर से झाड़ू पोछा करवाने लगे हैं, जिसकी शिकायत करने आज वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराया। तारीख को हमने ज्ञापन दिया था तहसीलदार महोदय जी को, उनसे हमने कहा कि जी सर ये हमारा काम बंद हो गया था, इसके बाद भी ये काम दोबारा चालू होगा, पहले करना पड़ेगा। आप तहसीलदार साहब बोले करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब ने बंद करवा दिया था जहाँ, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है। कौन से तहसीलदार? हम सिरोंज तहसील से आए हुए हैं सब। नाम है? प्रीतम। कहाँ से आए हो? सिरोंज तहसील से। क्या मामला था आज जिला मुख्यालय पर ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया? झाड़ू पोछा के बारे में। कौन? सिरोंज तहसील में झाड़ू पोछा होता है। पूरी बात बताइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पूरा दिन सिरोंज तहसील जाते हैं ड्यूटी लाने, तो ड्यूटी में वो कहते हैं पूरी तहसील में झाड़ू पोछा करो। करना पड़ेगा? करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हटा देंगे। कौन कहते हैं? तहसीलदार साहब। अच्छा, करना ही पड़ेगा काम तो। कब से कर रहे हैं? अभी एक महीना सर, पहले 3 महीना पहले तहसीलदार साहब ने बंद करवा दिया मैडम ने, अब फिर तहसीलदार साहब आ गए फिर चालू करवा दिया। अच्छा, हल्का सिंह दोबारा बंद हो चालू हो गया था, बंद हो गया था, अब जी चालू करवा दिया।